Good morning, students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 29th of November 2021 and today is Monday. Okay, so in the previous lecture we have started the lesson number 16, plants. Okay, and we have seen the information about parts of a plant. Okay, through the figure of that plant I have give you the explanation of parts of plants. Okay, now today we are going to see the more information or explanation about the parts of plants. Okay students, matlab aaj hum kya karne ja rahe hain, kya study karne ja rahe hain, ye jo humne parts of plants dekhe hain, matlab podho ke jo भाग होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत वर्णन देखने जा रहे हैं. ओके, कि क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और उनके काम क्या है. ओके, नाउ सी, ओपन योर बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पेज नंबर 107 टुडे वी आर गोइंग टू टेक. ओके, एंड सी द क्लास एक्टिविटी इज गिवन देयर गाइडलाइंस टू द टीचर. ये टीचर के लिए कुछ मार्गदर्शन पर आपको लाइंस दी गई है. यहाँ पे आपको तीन पिक्चर्स भी दिख रहे हैं क्या आपको? एक फूलदान आपको वहां पे दिख रहा है, दूसरा मिट्टी में से जो मिट्टी दिख रही है, जो मिट्टी में से पौधा निकाला जा रहा है एक गमले में से, और तीसरा जो है उसके मूलिया देखी जा रही है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी इज गिवन फॉर अस, मींस फॉर मी एंड फॉर योर्स आल्सो. क्या है एक्टिविटी आपके लिए? डिवाइड द क्लास इन ग्रुप्स. ये स्कूल में की जाने वाली एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको समझ लेंगे. ओके, डिवाइड द क्लास इन ग्रुप, ये टीचर का कर्तव्य है कि टीचर ने क्या करना है उस टाइम पे जब प्लांट सीखते हैं, तब क्या करना है, ग्रुप बनाना है. किसका? क्लास का. हमारा जो सेकेंड क्लास है उसमें लड़के लड़कियां दोनों भी होंगी, तो दो समान भागों में उसका डिवाइडेशन कर देना है. हाँ, गिव ईच ग्रुप अ स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट. हर एक ग्रुप को क्या करना है, एक फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो एक फूलों से खिला हुआ जो पौधा है वो देना है. हेल्प देम टू जेंटली रिमूव द प्लांट फ्रॉम द पॉट एंड ले इट ऑन अ न्यूज़पेपर. हमें, मतलब टीचर को, आप मुझे यानी टीचर को आपको मदद करनी है कि धीरे से, जेंटली यानी एकदम नजाकत से, हमें वो जो प्लांट है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट हमें दिया हुआ है, वो धीरे से कहाँ से निकालना है, उस पॉट में से, उस गमले में से धीरे से निकालना है, और उसको कहाँ रखना है, एक न्यूज़पेपर पे धीरे से रख देना है. ब्रश अवे द सॉइल, और उसकी मूलियों पर जो मिट्टी लगी हुई है वो ब्रश करनी है, मतलब हल्के हाथों से निकाल देनी है ना ब्रश से. और आइडेंटिफाई द पार्ट्स, और फिर उसके जो पार्ट्स हमें दिखते हैं उस पौधे के, जैसे मैंने कल आपको फिगर में दिखाया था प्लांट के, तो वो सारे प्लांट्स को आपको अच्छे तरीके से देखना है अपनी आंखों से, और ऑब्जर्व करके समझना है कि ये मूलिया है, ये पत्ते हैं, ये बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये फ्रूट्स है ना. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है एक क्लास एक्टिविटी. जब स्कूल शुरू होंगी तो हम ये जरूर करेंगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. नाउ सी द सब टॉपिक्स. What are they? They are parts of plant. Okay, the explanation of these parts of plant is given there. Now, first one is roots. Come on, keep your finger there. Roots. Roots yani mulia. Roots grow under the ground. Now, keep your finger there and understand the lines properly. Listen it carefully. Okay? Roots grow under the ground. Roots yani mulia. कहाँ पे पनपती है? वो ग्राउंड में यानी जमीन के अंदर पनपती है, बढ़ती है. दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन सॉइल. फर्मली यानी मजबूती से. हाँ, सॉइल यानी मिट्टी. तो वो, उनका काम क्या है, वो क्या काम करती है, वो जो जमीन के ऊपर जो पौधा होता है, हाँ, तो उसको, उसकी पकड़ वो जमीन में क्या करती है, मजबूत करती है.
टाइटली पकड़ के रखती है. दे गेट वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो मूलियां है ये पानी और खनिज तत्व, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, खनिज या खनिज तत्व कहाँ से पाती है, तो वो मिट्टी से पाती है. ओके, रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर द प्लांट्स. और ये जो मूलियां होती है वो ज्यादा से ज्यादा खाना किसके लिए, पौधे के लिए जमा करके रखती है. तो क्या क्या करते हैं ये रूट्स, हाँ रूट्स क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो वो जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि पौधा जमीन के ऊपर होता है और उसकी जो मूलियां होती है वो जमीन के अंदर होती है. तो ये जो अंदर रहने वाली जो मूलियां है वो पौधे को जमीन के ऊपर पकड़ बनाने के लिए मदद करती है. और वो क्या करती है, उसको उनको खाना मतलब ये जो पौधा है उनको जो खनिज तत्व और जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है, जो मूलियां उन तक पहुंचाती है. और ये जो मूलियां है ये पौधे का खाना, ज्यादा खाना बचा कर रखती है. समझ में आया. नाउ द सेकेंड वन इज स्टेम. यहाँ पे दिया हुआ है आपको फिगर, आपको फिगर्स को भी अच्छी तरीके से देखना है. ओके, सी द पिक्चर. इट इज अ स्टेम, डंठल जिसे कहा कहते हैं. स्टेम को क्या कहते हैं, डंठल. स्टेम ऑफ अ प्लांट होल्ड्स द प्लांट अप. स्टेम यानी डंठल, ये जो मूलियां जमीन के अंदर उसको पौधे को पकड़ के रखती है, और ये जो स्टेम होता है, ये जो डंठल होता है, ये जमीन के ऊपर इस प्लांट को पकड़े रहते हैं. ओके, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा सेंटेंस हम समझेंगे. इट कैरीज वाटर, तो इनका क्या काम क्या है, स्टेम का डंठल का काम है वो क्या करता है, पानी वहां के लेकर जाता है. और क्या, एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व. फ्रॉम द रूट्स, कहां से, मूलियों से, मतलब मूलियों से प्राप्त पानी और जो पोषक तत्व है जो पेड़ बढ़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वे ये इस इनको इनका वहन करने का काम कौन करता है, डंठल करता है. एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और खाना जो होता है जो पत्तों में बनता है. खाना, पौधे का खाना कहाँ बनता है, पत्तों में बनता है, उनकी पत्तों में बनता है. तो ये जो खाना है ये भी दूसरे भागों को प्रदान करने का, देने का काम ये डंठल करती है. समझ में आया आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टेम. स्टेम क्या करता है, प्लांट ऊपर जमीन के ऊपर पौधे को पकड़े रहता है, बनाए रखता है. ओके, और वो उसका जो खाना है, पानी है, पोषक तत्व है ना, तो वो सब पौधे को पहुंचाता है. और इसी वजह से मतलब मूलियों से डंठल पूरे पौधे को, हर पार्ट को खाना, पोषण तत्व पहुंचाता है और पानी भी पहुंचाता है, और इसी वजह से पौधा बढ़ता है. अंडरस्टैंड. नाउ लीव्स, नाउ सी द पिक्चर ऑफ लीव्स, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स पिक्चर्स आर गिवन देयर. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू इट्स लीव्स. देखो अभी लीव्स का काम क्या है ये भी आपको समझ में आएगा. प्लांट्स, पौधे जो होते हैं वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो वायु होती है वो अंदर लेती है. जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसका उल्टा प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, है ना. सांस, हम जैसे सांस लेते हैं जैसे वैसे ही ये पौधे भी सांस लेते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. ओके, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू इट्स लीव्स. और ये सब किसके जरिए होता है, पौधे के जो ये लीव्स यानी पत्ते होते हैं इनके जरिए ये सांस लेने का काम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये सब कौन करता है, पत्ते, ये जो पौधे का पार्ट है पत्ते ये करते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट,
लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. देखिए ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस प्रॉपरली. क्या है? लीव्स आर कॉल्ड, पत्तों को क्या कहा जाता है? द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, पौधे का खाने का कारखाना, अन्न की जो फैक्ट्री है उसे कहा जाता है. किसे? पत्तों को. समझ में आया? पौधे का खाने का कारखाना पत्तों को कहा जाता है. दे गेट वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स. और ये जो पत्ते होते हैं ये पानी और पोषण तत्व कहाँ से पाते हैं? तो पौधे की मूलियों से वो सब पाते हैं. समझ में आया? हाँ, मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स पाके वो खाना बनाते हैं और हर एक पार्ट को डंठल पहुंचाती है. समझ में आया? नाउ हियर सी वन पिक्चर इज गिवन देयर. इट इज अ पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सूरज दिखाई दे रहा है, सनलाइट इज देयर, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? हवा से लिया जाता है पत्तों में, और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है. नीचे क्या है देखो, मूलिया जो दी है वहां पे पानी, और ये पत्तों को पानी कहाँ से मिलता है? इन मूलियों से मिलता है, फिर वो खाना बनाते हैं. ओके, और डंठल हर एक पार्ट को पहुंचाती है वो खाना. ओके, सो सी द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी आपको क्या समझना है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना है. कम ऑन, कीप योर फिंगर देयर, द लास्ट लाइन इज गोइंग ऑन. लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स, ये जो पत्ते होते हैं ये सूरज की किरणों से यानी सनलाइट, जो सूरज का प्रकाश होता है, रोशनी होती है सूरज की, वहां से क्या करते हैं? सूरज से ये रोशनी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं खुद में, जिसको कहते हैं खींच लेना, है ना. तो ये जो रोशनी है वो अंदर लेते हैं और ये रोशनी, सूरज की रोशनी उनको पौधे का खाना बनाने के लिए वो इस रोशनी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं. दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. एब्जॉर्ब करना यानी संश्लेषण करना. समझ में आया? हाँ, एब्जॉर्ब करना, खुद में खींच लेना, सोख लेना, खुद में सोख लेना. एब्जॉर्ब का मतलब होता है एक सोखना. हाँ, तो ये जो सूरज की रोशनी होती है सुबह की, है ना, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने अंदर उसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं. ओके, सोख लेते हैं और इससे ही उनका खाना बनता है. तो इसे ही इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स का मतलब होता है फूल. पौधे में फूल खिलते हैं रंग बिरंगी, है ना. सी द बटरफ्लाई इज गिवन इज इन इज ऑन दैट फ्लावर. ओके, उस फूल पर एक बटरफ्लाई यानी तितली बैठी हुई है, दिख रहा है आपको. नाउ सी, फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स क्या होते हैं? एक रंगीन भाग होता है पौधे का. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज विद देयर कलर एंड स्मेल. तो ये जो फूल होते हैं ये अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, ये कीटकों को और तितलियों को अपने रंग की वजह से और गंध की वजह से आकर्षित करते हैं. दे प्रोड्यूस फ्रूट. और ये जो फूल होते हैं इनमें से ही फल पनपते हैं. हाँ, इनसे ही क्या बनते हैं? फल बनते हैं. समझ में आया? और इसमें जो परागकण होते हैं इस फ्लावर्स में, तो ये तितलियां, ये जो कीटक होते हैं उनके पैरों को वो लगते हैं और इस फूल से उस फूल तक या जहां भी वो जाते हैं वहां पे ये परागकण क्या होते हैं, फेंके जाते हैं और वहां पे और एक पौधे का क्या होता आता है, निर्माण होता है, है ना. इसमें बर्ड्स भी फ्रूट्स खाते हैं और उसके बीजे कहाँ लेके डालते हैं, कहीं भी जाके उनकी विष्ठा से वो यहाँ वहां गिरते हैं और वहां पे नए पौधे का निर्माण होता है. ओके,
पराकर्ण के पैर पर लगने से इनमें भी क्या हो जाता है, ये आपको अगली कक्षा में पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्या होता है इनके पैर पर पराकर्ण वगैरह लगने से। ओके, आगे देखिए फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्रूट प्रोवाइड्स अ कवर फॉर द सीड्स। फ्रूट क्या होता है, सीड्स यानी बीज का ऊपर का कवर होता है ना, कवच होता है। फ्रूट प्रोवाइड्स अ कवर फॉर द सीड्स मतलब बीजों को ये कवर प्रदान करता है। फ्रूट यानी फल, इट कम्स फ्रॉम फ्लावर। और ये जो फल होता है ये कहां से आता है, ये फूल से ही आता है। ओके, सीड्स का मतलब होता है आगे का जो पार्ट है वो है सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीजे। ओके, नाउ यहाँ नाउ सी द पपया सीड्स आर गिवन देयर है ना, एंड सम अदर टाइप्स ऑफ सीड्स आर ऑल्सो गिवन देयर इन दैट सर्कल है ना, एंड वन स्मॉल प्लांट इज गिवन देयर, वी कैन सी द सीड ऑल्सो देयर है ना। नाउ सी, सीड्स आर फाउंड इन साइड द फ्रूट। बीजे कहाँ पे पाई जाती है, बीजे फलों के अंदर पाई जाती है। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इन साइड, यू कैन सी द बेबी प्लांट हियर है ना, मतलब हर एक सीड के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है। इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट और ये एक दूसरे प्लांट में बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट मतलब इससे ही एक नया पौधा जन्मता है ना। व्हेन सीड्स आर पुट इन द सॉइल एंड वाटर दे जर्मिनेट, जब इन बीजों को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और उसको पानी दिया जाता है तो वो जर्मिनेट होते हैं मतलब वो अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने का मतलब उसमें से एक नया पौधा पनपता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, दिस इज फॉर टुडे। वी कैन सी द नेक्स्ट सब टॉपिक, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स टुमारो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ एंड रीड दिस information carefully once again and observe all the parts of plants. Okay, bye.